हेलो, सुस्वागत है आपका हिंदी कॉमिक वर्ल्ड में, जहां पर मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ ब्लैकेस्ट नाइट का एक और एक्साइटिंग पार्ट। और इस पार्ट में हम देखेंगे कि व्हाइट लैंटर्न आखिर असलियत में एग्जिस्ट करते हैं या फिर नहीं, या फिर ये ऐसे ही अफवाह फैलाई गई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम देखते हैं एक गार्डियन को सिटी में सुपरमैन घसीटते हुए ले जा रहा था, और बाकी के सभी सुपर हीरोज जो कि मर चुके थे, जैसे कि हॉकमैन, हॉक गर्ल, फायरस्टॉर्म और बाकी के सभी लोग, वो सभी एक एक गार्डियन को लेकर वहां पर आ रहे थे। और वहां पर नेक्रॉन कह रहा था, तुम सभी ओल्डेस्ट लिविंग बीइंग्स हो इस यूनिवर्स की, इसीलिए तुम्हारा कनेक्शन बाकी उसे कई बढ़कर होगा इस सब के लिए। और एक गार्डियन को अपने हाथ में उठाकर वो कहता है, क्यों तुमने युगों तक फाइट की इस चीज से, खुद को जिंदा रखने के लिए, लाइफ को सपोर्ट करने के लिए, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया क्रीचर? तुमने पूरे यूनिवर्स को गार्ड क्यों किया? और तब वो गार्डियन बताता है, मैं नहीं जानता इस बारे में। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सारे लैंटर्न्स अटैक कर रहे थे नेक्रॉन पर, लेकिन नेक्रॉन पर उसका कुछ असर हो ही नहीं रहा था। जहाँ पर सिनिस्ट्रो कहता है, ये कितनी अजीब बात है, हमारे बीम्स उस पर यूजलेस साबित हो रही है, नेक्रॉन का उस पर कुछ भी असर नहीं हो रहा, वो उन्हें इंजॉय कर रहा है। इस पर स्केयरक्रो कहता है, नहीं, मेरे जितना तो बिल्कुल भी नहीं। और फ्लाइंग मंकीज का कंस्ट्रक्ट बनाकर वो उनसे कहता है, उड़ो मंकीज। यहाँ पर हम देखते हैं कि सभी लोग नेक्रॉन से लड़ने में बिजी थे, वहीं पर लास्ट प्लीज यानी कि एजेंट ऑरेंज गार्डियन से कहता है, मुझे वो जल्दी से ला कर दो। जिस पर लास्ट प्लीज उससे कहता है, गार्डियन मुझे वो चाहिए, मुझे वो किसी भी कीमत पर चाहिए। इस पर गार्डियन कहता है, मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ, अभी तक तो नहीं लास्ट प्लीज, जब तक नेक्रॉन खत्म नहीं हो जाता। और इन सब की बातें सुनकर ब्लैक हैंड कुछ कांटे के तार क्रिएट करता है और उन सभी को बांध देता है और कहता है, मेरी पूरी जिंदगी में मैंने बहुत सी चीजें ब्यूटीफुल और ब्लेस्ड देखी है, लाइफ कुछ ही लोगों पर अपना फेवर जताती है और बाकी सभी को इग्नोर कर देती है, लेकिन हमारे रिस्पेक्टिव स्टैंडिंग में ऐसा नहीं होता, हम कभी भी किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करते, डेथ आखिर डेथ है और वो सबको आनी ही है, हम सभी को एक साथ रखते हैं, साइलेंट और कोल्ड। यहाँ पर एट्रोसिटस सेंट वॉकर से पूछ रहा था, तुम अभी भी होप में बिलीव करते हो, तुम अभी भी यह सोच रहे हो कि सब कुछ ठीक हो जाएगा वॉकर? जिस पर वो कहता है, हाँ मैं अभी भी यही सोच रहा हूँ, क्योंकि इसकी शुरुआत तुम्ही से होगी एट्रोसिटस, क्योंकि तुम भी इसमें बिलीव करते हो। यहाँ पर ब्लैक हैंड आ रहा था एट्रोसिटस को मारने के लिए और वो उसके सीने में हाथ डालकर कहता है, तो बताओ मुझे तुम्हारा हार्ट कहाँ पर है? जिस पर ग्रीन लैंटर्न एक फॉर्म क्रिएट करता है और उस फॉर्म से ब्लैक हैंड को उसे दूर कर देता है। जिस पर ब्लैक हैंड उसे कहता है, इतने लालची मत बनो जॉर्डन, तुम्हें तुम्हारा एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा जो कि तुम अचीव भी नहीं करते और तुमने उसे कमाया भी नहीं है, और तुम सभी की तरह यहाँ पर डट में शामिल हो जाओगे तुम्हारे फादर की तरह, और ये अटल है क्योंकि सभी लिविंग चीजें आखिरकार डेथ में समा जानी है, और कई हॉरिफिक तरीके से कई लोग अपनी जान गवा कर यहीं पर आते हैं, लेकिन मैं तुम पर एहसान कर रहा हूँ तुम्हें इस सब से आजाद करके, उस पेन से, उस धड़प से। इस पर हेल जॉर्डन उसे जवाब देता है, लाइफ सिर्फ डूम और ग्लूम नहीं है ब्लैक हैंड, वो हमें चूज करने का मौका देती है। लेकिन ब्लैक हैंड उसे मारते हुए कहता है, तुम अब अपना मुंह ज्यादा देर नहीं चला पाओगे, और वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ रहा था कि तभी वहां पर स्केयरक्रो ब्लैक हैंड को मारते हुए कहता है, मेरी जिंदगी में पहले बार मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जिंदा हूँ, और तुम जैसे कुछ लोग उसे साइलेंस का नाम देते हैं, और तुम्हें साइलेंस पसंद है, और मुझे स्क्रीम, तुम्हारी स्क्रीम, चिल्लाओ और जोर से चिल्लाओ। यहाँ पर ऑरेंज लैंटर्न यानी के लेक्स लूथर आजाद हो चुका था और वो स्केयरक्रो को पुकारता है, जिस पर वंडर वुमन उसे कहती है, तुम किसकी राह देख रहे हो लूथर, ये तुम्हारा चांस है कुछ कर दिखाने का। यहाँ पर बैरियन भी उसे कह रहा था, तुम सोच क्या रहे हो, तुम इसी तरीके से खुद को बचा सकते हो, अगर तुमने अभी ज्वाइन नहीं किया तो तुम्हारे पास कोई भी दुनिया नहीं बचेगी अपने ओवरसाइज्ड ईगो पर फीड करने के लिए। और यहाँ पर स्केयरक्रो कहता है कि ये मेरा मोमेंट है, और इतना सुनते ही लेक्स लूथर अपने ऊपर से आपा खो देता है और वो कहता है, नहीं ये तुम्हारा नहीं, ये मेरा है, और उसे मारते हुए वो कहता है, नहीं ये मेरा ही रहेगा। यहाँ पर इंडिगो लैंटर्न मेरा से कहती है कि लूथर अब उस ऑरेंज लैंटर्न के कब्जे में आ चुका है, और यहाँ पर होता भी ऐसा ही है। यहाँ पर लार्क प्लीज लूथर से अपनी रिंग मांगने जाता है और लूथर स्केयरक्रो से उसकी रिंग छीन रहा था, और उसे वो रिंग छीन कर वो खुद पहन लेता है और कुछ फॉर्म्स क्रिएट करके वो सभी से कहता है, तुम सभी लोग मुझे अपनी रिंग दो, मुझे अपनी अपनी रिंग दे दो। और वो बढ़ता है मेरा की तरफ, जहाँ पर वो कहता है, ये मेरी है, ये रेड रिंग मेरी है। यहाँ पर दूसरी तरफ हम देख रहे थे कि ग्रीन लैंटर्न्स बचने की कोशिश कर रहे थे सभी ब्लैक लैंटर्न से,
और यहाँ पर स्टेवर्ट उन ब्लैक लैंटर्न से बच ही रहा था कि तभी उसके पीछे से सभी लैंटर्न कॉर्प्स के सभी ऑफिसर्स वहां पर आ जाते हैं उन सभी ब्लैक लैंटर्न्स को मारने के लिए, और एक एक करके वो उन सभी को मारने लगते हैं। यहाँ पर एक रेड लैंटर्न को देखकर एक ग्रीन लैंटर्न उसकी तरफ बढ़ता है उसे मारने के लिए, लेकिन एक इंडिगो लैंटर्न उसे पीछे खींचते हुए कहता है, ये आपसी झगड़े का वक्त नहीं है ग्रीन लैंटर्न, हमें साथ मिलकर ब्लैक लैंटर्न के खिलाफ लड़ना है। यहाँ पर एक ब्लैक लैंटर्न उसे मारने के लिए आ ही रहा था कि तभी पीछे से किलोवाग आकर उसे शूट कर देता है। जहाँ पर काइल कहता है, तो मुझे नहीं लगता कि तुम इसके साथ शूटिंग मैच खेलना चाहोगे, और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर किलोवाग उन सभी को मार रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो सभी लैंटर्न आपस में लड़ने के बजाय ब्लैक लैंटर्न से लड़ रहे थे, और यहाँ पर आपस में बात हो रही थी कि अगर हम एक साथ बिना लड़े एक एक से लड़ने चले भी गए तो हमें से हर एक को 3,400,023 ब्लैक लैंटर्न्स को मारना होगा अकेले, वो भी बिना किसी सपोर्ट के, और हम सभी गुड बॉय और गुड गर्ल की तरह एक साथ मिलकर लड़े भी तो भी हमें कुछ फायदा नहीं होने वाला। यहाँ पर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि डव सभी ब्लैक लैंटर्न्स को अपने टच के साथ मार रही थी, जहाँ पर वो सभी टीन टाइटन से कहती है, मुझे मेरे अंदर कुछ फील हो रहा है, मुझे लगता है कि किसी ना किसी तरह से मैं ब्लैक लैंटर्न्स को मार रही हूँ अपने टच के साथ, तो फिर अगर मैं अपनी इसी पावर के साथ उस पावर सोर्स को खत्म कर पाई तो। और तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है जो कि उस ब्लैक लैंटर्न बैटरी के अंदर थी, जो कह रही थी, नेक्रॉन मुझे बाहर निकालो। यहाँ पर हम देखते हैं कि ऑरेंज लैंटर्न से दोनों इंडिगो लैंटर्न लड़ रहे थे, जहाँ पर इंडिगो वन कहती है, हम उसे मेरा की रिंग उतारने नहीं दे सकते क्योंकि इस वजह से उसका हार्ट स्टॉप हो जाएगा और वो मर जाएगी। यहाँ पर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस गार्डियन से नेक्रॉन अभी भी बात कर रहा था, जहाँ पर वो पूछता है कि तुम्हारी कोई आखिरी शब्द है क्रीचर, बोलना चाहो तो बोल सकते हो, और वो कहता है हाँ, लॉन्ग लिव, और वो आगे कुछ कह पाता इससे पहले ही वो अपने हथियार से उस गार्डियन का गला काट देता है। यहाँ पर सभी लैंटर्न्स आपस में बात कर रहे थे, इस ल्यूथर की वजह से हमें काफी प्रॉब्लम हो रही है और इसी वजह से हम ब्लैक हैंड पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर हम दूसरी तरफ देखते हैं वो गार्डियन मर चुका था और उस गार्डियन का हार्ट निकालते हुए वो कहता है, इससे लड़ना बंद करो, ये नेचुरली करते हैं, और वो उसका हार्ट बाहर निकालता है और एक जगह पर रख देता है, और इस वजह से वहां पर येलो कलर की वेव्स निकलने लगती है। यहाँ पर सारे लैंटर्न्स अभी भी ल्यूथर से लड़ रहे थे क्योंकि वो अपने एरोगेंट बिहेवियर की वजह से मेरा की रिंग चाहता था सिर्फ और सिर्फ ग्रीडीनेस के कारण। और वहां पर एक गार्डन को मारा देखकर ग्रीन लैंटर्न गैंथर्ड से पूछता है कि आखिर वो क्या है, उस नेक्रॉन ने क्या किया। इस पर वो कहता है, उसने उस गार्डन को मार दिया कॉन्टैक्ट करने के लिए। इस पर सिनेस्ट्रो पूछता है, कॉन्टैक्ट किसके साथ। तभी हम देखते हैं कि वो ट्रेस पासर को राइज कर रहा था और वहां पर हम एक लिविंग बींग देख सकते हैं जिसे सब लोग एक सरप्राइजिंग लुक के साथ देख रहे थे। यहाँ पर उसे देखकर ऑरेंज लैंटर्न कहता है कि ये बहुत ज्यादा ब्राइट है, अब ये मुझे चाहिए, लेकिन लार्ज फ्लेश उसे मारते हुए कहता है, नहीं, मेरे पास अभी कुछ और है ह्यूमन, मुझे तुम्हारी जान चाहिए। यहाँ पर नेक्रॉन अपना हथियार उठाकर कहता है, अब मुझे तुम सभी की लाइफ चाहिए, सभी लोगों की, सभी इन्वेडर्स की। और वो उस एंटिटी को मारते हुए कहता है कि मरो, और उस एंटिटी को मारते ही सभी लोग अपने अपने सर को पकड़कर जोर से कराने लगते हैं, सिवाय ब्लैक हैंड के। सभी लोग इतनी जोर से चिल्लाते हैं कि नेक्रॉन ने उस एंटिटी को नहीं बल्कि उन सभी पर वार किया है और उन सभी को मार रहा है। यहाँ पर जैसे तैसे संभल कर ग्रीन लैंटर्न पूछता है कि आखिर वो क्या है। इस पर गैंथर्ड बताता है, वो एंटिटी है, वो एक लिविंग एंटिटी है जिसने पूरे यूनिवर्स में लाइफ ट्रिगर की और वो एग्जिस्टेंस में सबसे पहले आई है। गार्डियन सबसे ओल्डेस्ट लिविंग हो सकते हैं, लेकिन लाइफ सबसे पहले हमारे वर्ल्ड में नहीं बल्कि अर्थ पर आई थी, और हमने इसी फैक्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए एंटिटी का राज छुपाए रखा था। जिस पर भड़ककर सिनेस्ट्रो कहता है, छुपाए रखा था जैसे कि तुमने पैरलैक्स को सेंट्रल पावर बैटरी में छुपाए रखा था, जैसे कि तुमने वो राज छुपाए रखा सेक्टर 666 का। जिस पर गैंथर्ड कहता है, हमारे पास इसके अलावा और कोई भी चारा नहीं था, अगर ये किसी के हाथ लग जाता तो वो सब कुछ तबाह हो सकता था। यहाँ पर अभिनसुर का नाम लेकर सिनेस्ट्रो कहता है, तुमने मेरे दोस्त को मार दिया, वो तुम्हारी वजह से मारा गया, तुम्हारे इस चोट की वजह से, तुम्हारे इस राज की वजह से, उसने सब कुछ जान लिया था और तुम सभी लोग उसे मैड समझते थे। और एक फॉर्म क्रिएट करके वो गैंथर्ड पर अटैक करता है और कहता है, तुमने अभिनसुर की लाइफ डिस्ट्रॉय कर दी खुद को बचाने के लिए, और तुमने सभी लोगों से ये कहा कि सबसे पहली लाइफ ओरिजिनेट हुई तुम्हारे वर्ल्ड पर सभी लोगों का बिलीव पाने के लिए, और अब मैं खुद अपने तरीके से इस सब को जस्टिफाई करूंगा। यहाँ पर
उस लिविंग एंटिटी को नेक्रॉन बड़ी बुरी तरह से टॉर्चर कर रहा था और यहाँ पर सभी लोगों पर उसका असर हो रहा था। यहाँ पर गैंथर्ट उन सभी से कहता है, हम सभी को दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि हम सभी जिंदा है और हम सभी उस एंटिटी से कनेक्टेड है, इसी वजह से पूरा यूनिवर्स मर सकता है। जिस पर ब्लू लैंटर्न फ्लैश पूछता है, तो वो एंटिटी लड़की नहीं रही है। जिस पर हैल जॉर्डन कहता है, बैरी, क्योंकि वो एंटिटी है जैसे कि पैरलैक्स और आयन, और वो सिर्फ लिविंग पावर है और इसी वजह से नेक्रॉन को वो चाहिए, लेकिन उसे सिर्फ एक पायलट की जरूरत है। और इतना कहते ही हैल उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन सिनिस्टर अपना फॉर्म क्रिएट करके उसे बीच में ही रोकते हुए कहता है, तुम अपना पैरलैक्स वाला चांस खो चुके हो जॉर्डन, अब ये मेरी ड्यूटी है। और वो आगे बढ़ता है उस लिविंग एंटिटी की तरफ और वो कहता है, क्योंकि मैं जिंदा हूँ और मैं इस सबको लीड करूंगा, इस ब्लैकेस्ट नेट को दूर करूंगा, मेरे लीड में सब लोग सुरक्षित हो जाएंगे। और उस एंटिटी के सामने पहुंचकर वो कहता है, मैं तुम्हारी पावर डिमांड करता हूँ एंटिटी, और मैं फाइनली सब लोगों को बचाऊंगा और मैं ये प्रूव करके दिखाऊंगा। और तभी हम देखते हैं कि सिनिस्ट्रो एक व्हाइट लैंटर्न बन जाता है और वो कहता है, अब मैं हूँ ग्रेटेस्ट लैंटर्न सभी लोगों में। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है। तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, एंजॉय द लाइफ, धन्यवाद और जय हिंद।